A12 A7 में पीडीएस राइस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है, पीडीएस राइसेस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर IS&PS लिमिट्स में केसेस बुक किया, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। सिर्फ 8 लोग ही इन्वॉल्व या कोई और? अब तक जो भी मतलब एविडेंस मिला 8 लोगों का हमने कंफर्म किया, अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी हम रिमांड करते। नहीं, वो एंगल में भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया, अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा कि उसको क्लीन चिट नहीं दिया हमने, अगर कुछ एविडेंसेस प्रॉपर एविडेंसेस मिले तो डेफिनेटली विल रिमाइंड हिम ऑल्सो। बिल्कुल राइट, थैंक यू। 19 तारीख के दिन सुबह 3 बजे अपना IS&PS लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक, 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट है। उसमें हमें CCTV फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेहेंड किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ, और एक बंदा मान्यगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज्ड है इसमें A1 छोटू, ये PDS राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज्ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते, वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिजनेस कर रहे। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारीख अली इन लोन से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे, नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूंगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इश्यू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज्ड इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से एक झगड़ा हुआ, इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होके मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया, वो भी एक इश्यू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज्ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया, और 18 ये 18 मतलब December 18 के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज का घर है उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे, उस टाइम पे डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के, वहीं पे रिकी किया ये 3 बाइक्स में रिकी करके ये 7 लोग इन्वॉल्व होके उसको मतलब चाकू से, 4 चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मन्यागुड़ा भाग के गए, वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है, वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया, वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेन्स का कपड़े पकड़ ना सके बोल के। सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 नाइव्स 4 चाकू को सीज किया और 5 मोबाइल फोन्स ये अक्यूज का, और 2 3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया इन लोगों को पूरा हमने सीज किया। और ये तारिक अली डिसीज के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाजार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है, दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीजन है दोनों का, मतलब PDS राइस का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी दो जो भी मतलब झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था, ये मोटिव है बिहाइंड द मर्डर केस। अरेस्ट अरेस्ट किया हमने अरेस्ट किया अरेस्ट किया ये बच्चों का, इसमें एक जिन के ऊपर 307 केस है अटेम्प्ट मर्डर, ये संतोष नगर लिमिट्स में वो गैंग वॉर जैसा ठीक है, बाकी लोगों का A12 A7 में PDS राइस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है, PDS राइसेस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर IS&PS लिमिट्स में केसेस बुक किए, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। अब तक जो भी मतलब एविडेंस मिला 8 लोगों का हमने कंफर्म किया, अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी
हम रिमेंड करते हैं। नहीं, वो एंगल में भी हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया, अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा कि उसको क्लीन चिट नहीं दिया हमने। अच्छा,